लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कामिनी, 42 गांधीनगर, पुणे। हेलो हेलो, कंट्रोल रूम। मैं सेंट्रल जेल से बोल रहा हूँ।
तीन खूनी जेल तोड़कर भाग गए हैं। ऐसा लगता है वो शहर की तरफ गए हैं। गाड़ी रोकिए मालिक। बाबूजी मालिक, मालिक गाड़ी रोकिए। हाँ? मालिक मेरा भाई लकड़ी काटते काटते पेड़ से गिर गया है, उसको जरा डॉक्टर के पास ले चलेंगे। भैया घबराने की क्या बात है, तो आइए मेरी मदद कीजिए। आइए मालिक, आइए मालिक। वो देखिए बेचारे को बहुत चोट लगी है। खान ये लिबास कैसा है? बहुत अच्छा है खान। तो हो जाए। ओ यस सर। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। कैसे? मैं मर गया इंस्पेक्टर साहब, मैं बर्बाद हो गया। तीन आदमी मेरी गाड़ी लेकर भाग गए और मुझे मारा भी। कौन आदमी? मैं उनको नहीं जानता, लेकिन उनकी शक्लें बहुत भयानक थी। शक्लें भयानक थी जी। और तीन आदमी? तीन। इंस्पेक्टर साहब यही था। इंस्पेक्टर साहब ये भी तो था। और ये इंस्पेक्टर साहब ये भी तो था। ये तीनों ही थे, मैं खूब पहचानता हूँ। वही भयानक शक्ल यही इंस्पेक्टर साहब। आपका नाम? फियट। गाड़ी कौन सी थी? जानकी दास। जानकी क्या? इंस्पेक्टर साहब माफ करना, मेरा नाम जानकी दास, गाड़ी फियट। घबरा इंस्पेक्टर साहब, बहुत घबरा गया हूँ। जानकी दास। गाड़ी का नंबर? गाड़ी का नंबर 2090 BMR। हाँ जी। गाड़ी का रंग? गाड़ी का रंग जी रंग 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 सफेद। व्हाइट 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 व्हाइट। इंस्पेक्टर साहब कुछ कीजिए, मैं मर जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं घबराओ नहीं, कुछ कर दीजिए जल्दी जल्दी। यस। हाँ कमिश्नर साहब, मैं इंस्पेक्टर वाडेकर बोल रहा हूँ। सर उन तीनों डाकुओं के बारे में अभी अभी खबर मिली है कि वो किसी की गाड़ी लेकर भाग गए हैं। गुड, कंट्रोल रूम को फौरन इत्तला कर दो। यस सर। कि गाड़ी की डिस्क्रिप्शन और नंबर ऑल इंडिया रेडियो से ब्रॉडकास्ट करवा दें। ओके सर। और शहर से निकलने के सब नाके बंद कर दें। गाड़ी चेक करो। मिस्टर अलाउद्दीन कराम, योर लाइसेंस प्लीज। देता हूँ सर, ये ले लीजिए। ओके। खान लगता है पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, अब शहर से बाहर निकलना मुश्किल है, कामनी तक भी नहीं पहुंच सकते। जब तक कोई रास्ता नहीं मिलता सर छुपाने की जगह ढूंढो खान, अगर कहीं बाहर रह गए तो कसम ईमान की बेमौत मारे जाएंगे। मुझे तो ये सामने वाला मकान ठीक लगता है, सबसे अलग है। क्यों? कसम ईमान की ठीक क्या रहे खान? तिहारा चार खूंट तोरा धाम रे,
रखियो नजर श्री राम रे, रखियो नजर श्री राम रे। तीन लोक पर राज तिहारा, चार फूट तोरा धाम रे। तू जो करे सो होए, तुझसा ना दूजा कोए। रखियो नजर श्री राम रे, रखियो नजर श्री राम रे। प्रभु तुम्हारे हाथ हजार, सदा रखियो लाज हमार। प्रभु तुम्हारे हाथ हजार, सदा रखियो लाज हमार। ओ, तुम हो जगत के स्वामी, हम है मूर्ख अज्ञानी। गिरने लगे तो लीजो थाम रे, रखियो नजर श्री राम रे। रखियो नजर श्री राम रे, रखियो नजर श्री राम रे। हेलो टासन है, जस्ट वन स्पीकिंग, रेडी? यस रेडी। ओके बस में मिलते हैं। ओके। हर रोज सुबह सुबह इंतजार करवा देता है मेरा यार। कहा गाय पालने को? तुम इस पाली की चाल हर रोज भूल जाती हो। अब ये कहेगा मुझे दूध अच्छा नहीं लगता। हाँ डैडी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, दूध तो बच्चे पीते हैं। हाँ हाँ बच्चे पीते हैं, वो खोलो। अरे बंदर इधर आओ, कुछ भूल गए? बाय। राजू अपने आप को बड़ा समझने लगा है, तुम्हें किस करने में शर्माता है। और लड़कियों का किस करने से नहीं शर्माता? ये क्या कर रहे हो?
कहा जेम्स बॉन्ड? बेबी आंटी, तुम्हारे सुपरमैन आ गए। बाय बाय बाय। हेलो भैया। हाय विजय। कैसे? हाय बॉबी। हाय हाय हाय। वेरी प्रिटी। थैंक यू थैंक यू। भाभी सब कहा? सभी तो हैं। मेरा मतलब है भाभी। हाय विजय। हाय हाउ आर यू भाभी? मेरा मतलब है सब लोग। चलो चलो चले। अरे कहाँ चले, नाश्ता तो करते जाओ। नाश्ता में कर लेंगे भाभी, आप चिंता मत कीजिए। ना भाई भाभी, नाश्ता तो करो। ये सब कुछ मुझे पसंद नहीं। एडिटर साहब को क्या पसंद नहीं? अरे भाई यही, कभी ये होटल कभी वो होटल, ना काम ना काज। आफ्टर ऑल ये लड़का कुछ काम भी करता है। ओहो, तुम तो हमेशा काम के पीछे पड़े रहती हो। वक्त आएगा तो वो भी कर लेगा। हाँ ये बात भी ठीक है, लेकिन दीपा ये मामला कुछ जल्दी शुरू नहीं हो गया? नैना की भी उम्र ही क्या है? मैं तो 17 ही साल की थी जब हमारा मामला शुरू हुआ था। हाँ हाँ, लेकिन तुमने तो कुछ समझ थी। खास समझ थी, अगर समझ होती तो क्या मैं तुमसे शादी करती? अरे खा तो लो। तुमसे शादी करती? तेरी और मेरी एक कहानी। हाय हैंडसम, खैरियत तो है? आज ये बंठन के कहाँ जा रहे हो? किसको निशाना बनाना है? अरे निशाना तो जिसे बनाना था बना लिया। है क्या कि आज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और ऑफिशियल लंच है, हमने सोचा जरा। अजी, तुम नौकर भेजने वाले थे? आया नहीं? हुजूर आपकी मशहूरी दूर दूर तक है। एक महीने में ही बिस्तर बगल देकर चलता कर देती हो। एक यही नौकर है जो 10 बरस से आपकी सेवा करता आ रहा है। देखो जी, हंसी हंसी में बात मत डालो। आज मुझे नौकर चाहिए चाहिए चाहिए। अच्छा बाबा, इश्तहार फिर दे दूंगा अखबार में। अब देखो किसकी शामत आती है। भूल गया। आउट आउट आउट। टाटा, जल्दी आना। और कोई है? बोलो। दिलावर, अजीत, देखो। हिम्मत, भाई ने ठीक बोला, ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, गैराज की चाबी कहां है? गैराज की चाबी
ये लो। गैराज में गाड़ी डाल दो और ताला लगा दो। जो हम पूछते हैं उसका जवाब दो। इस घर में और कौन रहता है? मेरे पति, मेरी ननद और मेरा बच्चा। कोई नौकर? नहीं। कोई पिस्तौल, कोई बंदूक? नहीं 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 नहीं। दिलावर, घर की तलाशी लो। अबिलिया खान, नीचे नहीं, ऊपर ऊपर। हाथ में अच्छी नहीं लगती मेम साहब, मर्दों के काम की चीज है। अजीत, और सुनो, आइंदा अगर ऐसी हरकत की तो इस घर में लाशें नजर आएंगी। असम ईमान के खान, बहुत मालदार घर है, सुअर की औलाद क्या क्या बढ़िया सूट है। बंद बच्चे, बकवास बंद कर। भले घर में आया है, इसकी बात का बुरा नहीं मानना मेम साहब, बदतमीज है। मगर तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए? रुपए? कितने रुपए चाहिए बोलो, कितने रुपए चाहिए बोलो, कितने रुपए चाहिए? ये लो, सब ले लो और निकल जाओ यहां से। बदलावा और लाओ दर। बस इतने ही पैसे हैं घर में? हाँ, हम बहुत रुपए नहीं रखते। अच्छा करते हो, देखने वाले की नीयत खराब हो जाती है। क्या करता है तेरा मियाँ? तेरा मियाँ क्या करता है? अखबार का एडिटर है। आप उन जाहिल रह गए खान, कसम ईमान की कुछ देर और यहाँ ठहर गए तो अपनी भी तालीम हो जाएगी। क्यों ले जाओगे? क्या समझ रखा तुम लोगों ने मेरे घर को? लखों क्या काट दो। खामोश, आवाज को नीचे रखो। हम तुम्हारे घर को लूटने नहीं आए, हम यहाँ पनाह लेने आए हैं, और जब तक हमारा काम नहीं होगा हम यहीं रहेंगे। और कोई फोन है घर में? ऊपर। अजीत, ऊपर जा। और सुन, कोई गड़बड़ नहीं करना, समझे? चलो उठा फोन। हेलो दीपा, अभी अभी खबर मिली है कि 3 खूनी डाकू जेल से भाग गए हैं और वो यहीं कहीं शहर में हैं। जरा ख्याल रखना, आदमी पहचान का ना हो तो दरवाजा मत खोलना। तुमने सुन लिया ना मैंने क्या कहा?
आदमी पहचान का ना हो तो दरवाजा मत खोलना। दीपा, दीपा। नहीं खोलूंगी। हिम्मत, अब जरा कामनी को फोन करें। हाँ मैम साहब, अब रोना बंद करो। पूना का एक नंबर मैं लाता हूँ, जब कामनी फोन पे आए तो मुझे देना। हाँ मैं कामनी बोल रही हूँ, आप कौन? कामनी, मैं बोल रहा हूँ बंबई से। समझ गई कौन? समझ गई, मैंने रेडियो पे सुन लिया था, मुझे तुम्हारे ही फोन का इंतजार था। और सुनो, वो बैग लेके फौरन बंबई आ जाओ और यहाँ आके मैं फोन करना। यहाँ का फोन नंबर क्या नंबर है तुम्हारा? 533-413। 533-413। हम आधी रात से पहले पहले यहां से निकल जाना चाहते हैं, समझी? वाडेकर, इन बदमाशों की कोई खबर मिली? मैंने सब चेक नाकों से पता लगाया, BMR 2090 नंबर की गाड़ी नहीं गुजरी, न इस गाड़ी को किसी ने कहीं जाते हुए देखा है। इसका मतलब यह हुआ कि वो बदमाश या तो नाकाबंदी से पहले निकल गए हैं और या शहर में ही कहीं छुपे हुए हैं। बट सर एक बात है, वो बदमाश बंबई में है या निकल गए हैं, कामिनी से मिलने की कोशिश जरूर करेंगे। कामिनी? हाँ सर, वो पूना वाली लड़की जिसके साथ हिम्मत के ताल्लुकात हैं। तो फिर पूना को फौरन इत्तला करो। ओके सर, अभी करता हूँ। हेलो, यस, पूना पुलिस स्टेशन। मैं बंबई से बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर वाडेकर। कौन बोल रहा है? माथुर? हाँ हाँ वाडेकर, मैं बोल रहा हूँ, बोलो क्या बात है? कामिनी को जानते हो? वो नमकीन छोकरी जिसे बैंक की रॉबरी के सिलसिले में सर्च किया था? अरे हाँ हाँ, वही लड़की। वो तीनों डाकू आज जेल से भाग निकले हैं, हमारा ख्याल है वो इस लड़की से मिलने की कोशिश जरूर करेंगे। सुनो माथुर, तुम कामिनी का टेलीफोन टैप करना, उसके घर पर नजर रखो और वो जहां भी जाए उसका पीछा करो, लेकिन देखो उसको पकड़ना नहीं। अगर पकड़ लूं तो भिजवा दूं तुम्हारे घर। अबे साले, आ गए ना अपनी असलियत पे।
इंस्पेक्टर सर्जेंट माथुर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लड़की कहाँ गई? उसी का तो मैं ढूंढ रहा हूँ। श्याम सिंह, गाड़ी पे नजर रखो, वो लड़की वापस जरूर आएगी। ओके ओके सर। सर, ऊना से अभी अभी टेलेक्स पर खबर आई है, कामनी रास्ते में कहीं गायब हो गई। व्हाट? गायब हो गई? वही तो एक रास्ता था उन तीनों बदमाशों तक पहुंचने का। हेलो, हाँ मैरी बोलता है। कसम ईमान की बड़ी मीठी आवाज है तुम्हारी, यहाँ से कितनी दूर है बेगम? तुम कौन बोलता है? गधे का बाप। अरे हमारी छोड़ो खान, अपनी सुनाओ, जरा करीब आओ, क्या उम्र है तुम्हारी? बड़ा बदमजाक लौंडा है कसम ईमान की, उधर छोकरी है खान, छोकरी। साले छोकरी नहीं तेरी अम्मा है, देखता नहीं टेलीफोन का तार बराबर वाले घर से जुड़ा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं मैम साहब, बहुत दिनों के बाद एक औरत को रसोई में काम करते देखा है। कसम ईमान की, घर में टेलीफोन बहुत ज्यादा है खान, तोड़ दूं क्या? चुप है मैम साहब, टेलीफोन। अजीत ऊपर जा। हेलो भाभी, विजय हियर। कौन विजय? हाँ। विजय कौन है? कौन है? मेरी ननद की, उसमें मंगनी होने वाली है। ठीक ठीक बात करना। हाँ विजय, काम बन गया भाभी। शाम को मेरे डैडी मम्मी आपके घर आ रहे हैं शादी की बात करने। नहीं नहीं, आज नहीं, फिर किसी दिन। नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत कीजिए, बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया है, आज रात को जरूर आएंगे। हाँ। नाना मैं कुछ नहीं सुनने वाला। क्या? आप अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए, आज रात 8 बजे वो आने वाले हैं। ओके बाय। कम लेट्स गो, लेट्स गो। रम रम। ओके विजय,
जाऊं। ओके हनी, शाम को पार्टी पे जाना है, भूलना नहीं। बाय बाय। भाभी, भैया नहीं आए? कौन है भाभी? कौन है? हिम्मत चाचा। नमस्ते जी। नमस्ते। सैंडविच? थैंक यू। अरे भाभी, आज तुमने टीवी नहीं ऑन किया? यंग वंस का प्रोग्राम आने वाला है, मैं अभी ऑन करती हूँ। अगले प्रोग्राम से पहले एक जरूरी सूचना सुनिए। तीन डाकू जो आज सुबह जेल से भाग गए थे, अभी तक पकड़े नहीं गए। उनकी तस्वीरें आपको फिर दिखाई जाती हैं। अजीत, दिलावर और इनका लीडर हिम्मत। कर दो, फोन तुम्हारे पीछे पड़ा है। अजीत, देखो कौन आया है। हिम्मत, लगता है घर का डैडी आ गया है। आप ही दबो उसने, खान हाथ नीचे रख, उसे अंदर आने दो। अजीत, दरवाजा। अरे दीपा, अरे भाई गैराज क्यों बंद है? लाओ चाबी तो भेज दो। दीपा, पता नहीं आज ताला क्यों लगा दिया इन्होंने। आज भाई लोगों ने गैराज ही बंद रखा है। दीपा, ये भरा हुआ है। अजीत, दिलावर, हिम्मत, तुम तीनों मेरे घर में, ये सब कैसे हुआ? हो जाता है दुनिया में, कुछ भी हो जाता है। लेकिन मेरा ही घर क्यों? कसम ईमान की, बड़ा बेहुदा सवाल है खान। दाना पानी तुम्हारे साथ लिखा था, आ गए। ये तीनों कब आए यहाँ? आपके जाने की कुछ ही देर बाद। तुम सुबह से अब तक पूरे घर में सांप की तरह रेंग रही है। मैं छोकरी, ज्यादा चबड़ चबड़ नहीं किया करते। मुझसे बात करो। ये हुई ना काम की बात, बोलो कब जाओगे तुम यहाँ से? जल्दी, बहुत जल्दी। मैं पूछता हूँ कब जाओगे यहाँ से? आधी रात के बाद। रात क्यों, अभी क्यों नहीं, फौरन इसी वक्त? जल्दी का काम शैतान का होता है खान। कसम ईमान की, कुछ देर तो अपने साथ रहने का मौका दो। मैं पूछता हूं तुम जाओगे कब यहां से? हमें एक लड़की का इंतजार है, वो हमारा रुपया लेकर आ रही है। जब वो आएगी हम चले जाएंगे। इतने में अगर पुलिस तुम्हें ढूंढती यहां आ गई तो फिर क्या होगा?
तो फिर मेरे दोस्त तुम्हारे लिए बुरा होगा। अजीत, ईमान की लौंडे ने पेशाब निकाल दी। हिम्मत, क्या है? तुम उससे कुछ नहीं कहोगे? उससे जो कुछ कहना मैं कहूंगा, मैं समझाऊंगा। हैं? ठीक है। डैडी, आज स्कूल में बड़ा मजा आया। हमारे गेम्स थे, मैं भी दौड़ा सबसे आगे, और मम्मी आते में मैं गुल्लू की साइकिल लेकर आ गया, खूब चलाई, जी जी जी। और बेबी आंटी, आप जानते हैं मैंने भूलू के यहाँ टेलीविजन देखा, उसमें तीन डाकू थे, जेल से भाग गए, इतना बड़े बड़े मुंह थे इनके। डरो नहीं बेटे। डैडी, ये हमारे घर क्यों आए? खुदा नहीं बेटे, ये चल जाएंगे, से कुछ डरने की बात नहीं। ए छोकरी, तू जा बच्चे के पास और देख, कोई गड़बड़ ना करे, चल। हिम्मत, जितने रुपए का तुम्हें इंतजार है, अगर वो मैं दे दूं अभी रात से पहले पहले। कसम ईमान की, अपने आप को निजाम हैदराबाद समझता है? मैंने तुम्हारी बैंक की किताब देख ली है मिस्टर एडिटर, उसमें सिर्फ 1200 रुपए हैं, और जितने रुपयों का हमें इंतजार है वो तुम साथ जन्म जमा नहीं कर सकते। इकट्ठा कर सकता हूँ, उधार ले सकता हूँ। हमें मुफ्त का माल खाने की आदत नहीं है मिस्टर एडिटर, हम अपने पसीने की कमाई खाते हैं। लेकिन तुम्हें तो रुपए से मतलब है, मैं कहीं से भी लाऊं। हाँ हिम्मत, एडिटर चाचा की बात सुनने में क्या जाता है? कसम ईमान की, अब तो मुझे भी बाप में तुम नजर आने लगी, माल तो आखिर माल है। अबे ओ लुके पट्ठो, भेजा घूम गया तुम दोनों का। कामनी पूना से निकल चुकी है, वो यहाँ आ रही है, हम यहां नहीं होंगे तो वो कहां जाएगी? क्यों बे आदमी की औलाद, डाल दी ना इन दोनों के भेजे में उल्टी बात। फिर ऐसी होशियारी की तो ये बत्ती सी बाहर निकाल दूंगा। और सुन, हम नहीं जा रहे, यहीं रहेंगे। क्या ढूंढ रहे हो? डैडी की पिस्तौल, लेकिन यहाँ तो नहीं है। बेटा, वो तो नीचे अजीत के हाथ में है। ऐसा करे, मेरे रूम में टेलीफोन है ना, तो उसे बबलू को फोन कर दे, वो पुलिस को बुला लाएगा। इजाज़त हमको दो भैया। मैंने दूंगा, मेरा है। मैं बोलता हूँ हमको दो खान। मैं दूंगा। की चीख के रख दूंगा। हम यहां किसी की जान लेने नहीं आए। छोड़ दे खान।
मैं बंद कर छोड़ दे खान। अजीत मैं जा रहा हूं और तुम एडिटर के बच्चे कमीने। हम खून खराबे से बचना चाहते हैं और तुम कराना चाहते हो, फिर ये बहादुरी दिखाई तो दिलावर भूखा भेड़िया है, चीर के रख देगा तुझको। चल जाओ पर मत। दीपा रजो चलो चलो चल। दिलावर को हल्का सा घुसा मारा तो चित गिरा। अच्छा आप उसकी और पिटाई कीजिए। हर बार ऐसे नहीं होता बेटे। तो अब कैसे मारा था? वो इत्तेफाक था, जाने कहां से ताकत आ गई बेटे। मैं बात बता डैडी। हे डैडी इधर आइए। डैडी मैं बेबी आंटी के कमरे की खिड़की से गैराज की छत पर कूद जाऊंगा, फिर वहां से छलांग लगा दूंगा, फिर भागकर पुलिस को बुला लाऊंगा। मैं जाऊं डैडी? बेटे तुम्हें याद है तुमने कहा था तुम बड़े हो गए हो, तो जरा समझो तुम छत से कूद भी गए, पुलिस को बुला भी लाए, तो जानते हो क्या होगा? तो पुलिस इन डाकुओं को पकड़ लेगी। मगर इससे पहले वो हम सबको मार डालेंगे, मम्मी को, तुम्हारी बेबी आंटी को, मुझको। और बेटे जो उनके पास रिवॉल्वर है ना वो खिलौने नहीं है, वो असली रिवॉल्वर है, उसके अंदर गोलियां भी असली हैं। आप डर गए डैडी? हाँ बेटे मैं कुछ डर ही गया, जिंदगी में कभी कभी डर जाना जरूरी हो जाता है। ये हॉर्न कौन बजा रहा है? एक चिकना सा लौंडा है, बहुत बढ़िया गाड़ी में। कौन है ये छोकरा? कौन है? नैना का होने वाला मंगेतर। क्यों आया यहाँ? मुझे पार्टी में ले जाने के लिए। हिम्मत छोकरा अंदर आ रहा है। तो जाओ। भाभी मैं नहीं जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी तो वो अंदर आ जाएगा, हमको लफड़ा नहीं चाहिए। चलो जाओ नैना जाओ। बस सुनो जबान बंद रखना वरना। That's it, baby. तुमने क्यों जाने दिया नैना को? ये कोई भेजने का मौका था। क्या करती, विजय आ गया था और हॉर्न पे हॉर्न बजाया जा रहा था, अगर मैं नैना को रोकती तो विजय अंदर आ जाता। हाँ शायद तुमने ठीक ही किया। अरे मैं तो भूल ही गई, आज विजय के मम्मी डैडी भी तो आने वाले हैं नैना के रिश्ते के बात करने के लिए। हाँ। उन्हें मना कर दिया होता आज भी कोई उन्हें बुलाने का दिन था। बात कैसी होगी, नीचे तो आरामजादे हैं। आरामजादे साले रहते हुए ठाट से, कसम ईमान के खान दारू पीता तो सारा विलायती दारू पीता। हिम्मत कभी अपना भी ऐसा घर होगा? तो मैं कितनी बार कहा है अजीत, सपने मत देखा करो। Thank you.
कसम ईमान की खान, ये लाइन लगा के किधर जा रही है खान? ये घर का टंडीरा लेकर कहाँ चलती है? छोटू भी लेके जा रही है खान। विजय के माँ बाप नैना का रिश्ता तय करने आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि ये बात तुम जैसे शरीफों के सामने हो। तो ठीक है एडिटर साहब, ये बचुआ हम शरीफों के पास ही रहेगा। नमस्ते दोस्ते। नमस्ते। आइए तशरीफ लाइए। आइए आइए। बैठिए। भाई साहब, आज कुछ ठंड ज्यादा है, अंदर चलें? अब बंबई में ठंड कहाँ? देखिए मैंने तो कमीज पहन रखी है। नैना आपकी बहन है ना? जी नहीं, मेरी ननद है। अरे भाई, नैना तो अब अपनी बच्ची है। नैना? नैना तो विजय के साथ गई है। आपके एक लड़का भी तो है ना? जी हाँ, छोटा सा। कहाँ है वो? जी अंदर घर में। जी अंदर है, अंदर। तो उसे बुलाइए ना, बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। राजू बहुत होशियार है, विजय उसकी बहुत तारीफ किया करता है। बुलाइए ना। हाँ अभी बुलाती हूँ। मगर मगर वो तो सो गया होगा। आप क्या पियेंगे? हाँ ठंडा गरम। जी नहीं, तकलीफ ना कीजिए आप। हाँ देखिए भाई साहब, आपको हमारे आने की यहाँ वजह तो मालूम होगी। आने की वजह? जी हाँ। जी हाँ जी हाँ। तो मंजूर है आपको रिश्ता? रिश्ता? राजू पर अकेला है, मैं जरा देख के आऊँ। अच्छा तो बहन जी हम भी चलते हैं। अशोक साहब आपका विद्राज कहीं और है, हम फिर कभी आएंगे। अच्छा जी आप जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपके घर है, जब जी चाहे चले आइएगा। जी नमस्ते। नमस्ते। चलिए ना, मुझे तो यहाँ आकर बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। अपना सिक्का ही खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष? हमारा बेटा ही लड़की को परी समझ बैठा है। चुचू हो आज कहो क्या है बात, जरा बोलो ना, न जाए कहीं ढलती रात, जरा बोलो ना। चुप हो आज कहो क्या है बात, जरा बोलो ना। ढल न जाए कहीं ढलती रात, जरा बोलो ना। न तो जागती न तो सोई सी, बड़ी दूर हो कहीं खोई सी, जरा बोलो ना। चुप हो आज कहो क्या है बात, जरा बोलो ना, बोलो ना। ढल न जाए कहीं ढलती रात, जरा बोलो ना।
सजती फूल जैसे होठों पे, खामोशी नहीं सजती, नाज ये क्या है, राज ये क्या है, चुप न रहो दिल खोलो ना, चुप हो आज कहो क्या है बात, जरा बोलो ना, ढल न जाए कहीं ढलती रात, जरा बोलो ना, ना तो जागती ना तो सोई सी, बड़ी दूर हो कहीं खोई सी, जरा बोलो ना, चुप हो आज कहो क्या है बात, जरा बोलो ना, बोलो बोलो, ढल न जाए कहीं ढलती रात, जरा बोलो ना, बोलो ना, कहाँ हो तुम? हमने इतना बढ़िया गाना गाया मगर लगता है तुम्हारा दिल कहीं और है, क्या हुआ? मेरी तबीयत ठीक नहीं है विजय, मुझे घर ले चलो ना। तबीयत हमारे साथ रहकर ठीक नहीं हुई तो घर जाके क्या होगी? ए, तुम आज इतनी उखड़ी उखड़ी से क्यों? भैया भाभी और राजू घर पे है ना? भैया भाभी तो रोज घर पे होते हैं, आज कोई नई बात है? मुझे अभी घर जाना है प्लीज। ओके, तुम्हारी मर्जी, चलो। मुझे बड़ी बेचैनी रहेगी, सो भी नहीं सकूंगा, बताओ मुझे बात क्या है? कोई बात नहीं विजय। ये तो मैं नहीं मानता, शाम से देख रहा हूं तुम अपने आप में नहीं हो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं रहा? नहीं विजय, ये बात नहीं। बात तो कोई है जरूर, तुम नहीं बताओगी तो मैं भैया भाभी से पूछ लूंगा, आज इस बात का फैसला हो जाना चाहिए। नहीं विजय प्लीज, अभी नहीं, इस वक्त नहीं। नैना, मुझे इतना भी हक नहीं तुमसे पूछ सकूं कि तुम्हें क्या दुख है, बताओ मुझे आज तुम क्यों परेशान हो, आखिर क्या बात है? विजय, 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 तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? रिवॉल्वर? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, क्या हुआ इसे? ईमान की अंधेरे में चांद निकल आया है। हट जाओ मेरे रास्ते, शराबी देख के। शराबी कहो या कबाबी कहो, हसीना बाहर से आई हो, तलाशी तो लेनी ही पड़ेगी, हाथ ऊपर करो। मासूम लड़की की इज्जत लूटना चाहता था तू, इसलिए हम यहां आए थे। कसम ईमान की खान, तुमने मुझे मारा, तुम लोगों ने मुझे मारा, एक छोकरी के लिए अपने यार को मारा। कसम ईमान की खान, अपने बाप के औलाद नहीं अगर तुम्हारे साथ रहा तो मैं जा रहा हूं यहां से। अजीत, ये साला अपने साथ हमें मरवाएगा, तू उनको संभाल, मैं से पकड़ लेता हूं।
कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये मत सोचना कि मैं अकेला हूं, किसी ने गड़बड़ की तो मैं फोन के रख दूंगा, समझे? नैना तुम ऊपर जाओ। तेरी लड़की बेहोश गिरी है, हैं? नहीं छोकरी, तुम घबराओ नहीं, तुम ठीक हो जाओगी। अरे देखते जाओ, पानी लो, जाओ, पानी लो, जाओ। आउट, नाना दरवाजा खोलो, चल बाहर कमीने कुत्ते, चल बाहर, जल्दी से। इधर देख, इधर देख। भैया लड़के कमरे में नहीं है। भैया कमरे में नहीं है, लगता है खिड़की से कूद के भाग गया। चुप चुप, ये तो राजू की आवाज है। मम्मी चुप, अरे ये ठहरो, दरवाजा मत खोलो। मगर मेरा राजू जो बाहर है, राजू छोकरा हमारे पास है। एडिटर दरवाजा खोल दो वरना छोकरे से हाथ धो बैठोगे, सुना तुमने? मैं दरवाजा खोलता हूँ, लेकिन लेकिन पहले तुम रज्जू को अंदर भेजोगे। नहीं एडिटर, पहले तुम पिस्तौल बार फेंकोगे। दीपा दीपा तुम ऊपर जाओ, और अगर गोली चलने की आवाज सुनो तो तुम एकदम पुलिस को फोन कर देना। मैं आप अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी। जाओ, तुम जल्दी से जाओ। ना यहाँ गोली चलेगी और ना पुलिस आएगी। छोकरा चाहिए तो पिस्तौल बाहर फेंक दो। क्यों, बच्चा चाहिए क्या? नहीं हिम्मत, छोड़ दो बच्चे को, छोड़ दो। अब्बा अच्छा बेटा, आ जाओ, आ जाओ, भाग के आ जाओ। डैडी जो जो मां के पास भाग जाओ। मेम साहब, ये मरा नहीं बेहोश हुआ है, जब इसे होश आएगा हम यहां से बहुत दूर जा चुके होंगे। छोकरी चलो टेलीफोन उठाओ, चलो। हेलो हेलो, मैं कामनी बोल रही हूं। हिम्मत को फोन दो, तुम्हारा फोन है। हाँ बोलो। पुलिस मेरा पीछा कर रही है, आज मैं बंबई नहीं आ सकती, जब भी आऊंगी तो मैं फोन कर दूंगी। हेलो हेलो कामनी, कामनी भाभी, रात के 3 बज रहे, भैया को अभी तक होश नहीं आया। मुसीबत तो यही है, डॉक्टर भी नहीं बुला सकती। दीपा, डैडी, भैया। दीपा, आप होश में आ गए, शुक्र है भगवान का। गए वो लोग? नहीं, वो लोग तो आज रात को जाने वाले थे, क्यों नहीं गए?
उन्हें जाना पड़ेगा, उन्होंने वादा किया था मैं उन्हें निकाल के छोड़ूंगा। भैया वो खूनी है, लुटेरे हैं, उन्हें किसी की जान की क्या परवाह। लेकिन गए क्यों नहीं वो लोग? जो लड़की रुपए लेके आने वाली थी वो नहीं आ रही। ओ, तो बुरी घड़ी गई नहीं अभी तक। आई है तो चली भी जाएगी। यहाँ बंधु आते को है जाना, कोई हो यहाँ बंधु आते को है जाना, यहाँ बंधु आते को है जाना, कोई हो यहाँ बंधु आते को है जाना। चलती हवा गाती यही गाना, बोले ये बंधुता से बहती नदी, कहती यही उठती घटा चलती हवा गाती यही गाना, किसी का ठिकाना। को खबर बोले यही सांसों का तराना, बोले ये बंधुता से जल की लहर, कल हो कहां किसको खबर बोले यही सांसों का तराना, दूध नहीं पियोगे तो डैडी की तरह तगड़े कैसे होगे? चलो पी जाओ, शाबाश। हाँ, अरे वाह, ये बात हुई ना, साला नमक बहुत है। बड़े बहादुर बन रहे थे, डर गए? अखबार वाला था। कसम ईमान की खाने नहीं देते खान। दूध लो। कसम ईमान के खान भी भाई पुराना मोटर छाप दिया।
कब जा रहे हो मेरे घर से? मेहमानों के साथ इस तरह बर्ताव किया जाता है तुम्हारे यहाँ? मैं पूछता हूँ तुम जाओगे कब? रस्सी जल गए पर बल नहीं गया। सुनो मिस्टर, हम इस घर से उस वक्त जाएंगे जब हमारा पैसा यहाँ पहुंच जाएगा। तब तक इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे, और अगर रात की तरह होशियारी दिखाई तो मेरे रिवॉल्वर की सारी गोलियां तेरे सीने में उतर जाएंगी। हम वही करेंगे जो तुम कहोगे। ठीक है, तो फिर इस घर का हर काम रोज की तरह चलना चाहिए। एडिटर साहब और ये लड़की दोनों दफ्तर जाएंगे, और ये बचुआ हमारे साथ रहेगा। बेटे डरो नहीं। बेटे देखो, बेटे तुमने कहा था ना कि तुम बड़े हो गए हो, और देखो बेटे मुझे ऑफिस भी जाना है। शाबाश बेटे, शाबाश। नैना चलो। दोनों अपनी जबान बंद रखोगे, नहीं तो जिस दरवाजे से तुम जा रहे हो जब वापस आओगे तो यहां लाशें मिलेंगी, समझे? हिम्मत, इंसान ऐसा भी हो सकता है मुझे उस वक्त मालूम हुआ जब तुम लोगों को देखा। तुम इंसान की घनामी शक्ल हो, मजबूर लोगों को सताने में तुम्हें मजा आता है, लेकिन कब तक? नैना जी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे घर में क्या हो रहा है, विजय को भी नहीं। हमारी मुसीबत कोई और नहीं समझ सकता, समझी? ये कल से क्या हो गया तुम्हें? नैना सच सच बताओ, बात क्या है? क्या हुआ? क्या हुआ? कल रात से तुम्हारा तो पूरा रंग ही बदला हुआ है। मैं तुम्हारे घर के अंदर आना चाहता हूँ तो आने नहीं देती, मेरे साथ बाहर जाती हो तो खोई खोई। मेरे मम्मी और डैडी तुम्हारे घर पे गए थे, लेकिन तुम्हारे भैया और भाभी ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मैं पूछ सकता हूँ आखिर क्यों? विजय, तुम क्या पूछ रहे हो? मुझे कुछ नहीं मालूम। मालूम कैसे नहीं तुम्हें? ये अचानक इतनी तब्दीली क्यों आ गई तुम्हें? तुम्हारे भैया और भाभी अगर मुझे पसंद नहीं करते तो मुझे साफ साफ कह दे। इस तरह बेइज्जती करने का उनको कोई हक नहीं। विजय समझने की कोशिश करो। विजय, क्या समझने की कोशिश करूं? ऐसी कोई बात नहीं है विजय, तुम्हें वहम हो गया है। वहम? हाँ, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, लेकिन असलियत मैं जानकर ही रहूंगा। नहीं साहब, किसने झूठ बोला? चुप रहे, राम बंद कर दो इसे, नहीं जा। देखा नहीं,
प्लीज कम इन। आई एम अशोक रॉय, एडिटर मॉडर्न टाइम्स। तशरीफ रखिए। थैंक यू। फरमाइए मिस्टर राय, कैसे आना हुआ? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारे दफ्तर में बहुत फोन आ रहे हैं, लोग घबराए हुए, जानना चाहते हैं कि उन तीनों खूनियों को क्या हुआ। कुछ बता सकते हैं आप उनके मुतल्लिक? लगता है ये शहर निकल गया है उन्हें। देखिए मिस्टर राय, जब से ये तीनों भागे हैं, पुलिस बराबर कोशिश कर रही है, शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन लेकिन इन तीनों का कहीं पता नहीं चल रहा है। हो सकता है वो किसी के घर में छुपे हुए हों। जरूर हो सकता है। अगर आपको पता चल जाए कहां छुपे हैं वो, तो कैसे पकड़ेंगे आप उन्हें? वेरी सिंपल, उस घर को घेर लेंगे। लेकिन घर के लोगों का क्या होगा? घर के लोग? हाँ, जब आप घेरा डालेंगे, लड़ाई होगी, गोली चलेगी, वो बदमाश घर के लोगों को आगे कर देंगे, उन लोगों को कैसे बचाएंगे आप? हाँ, ये सोचने की बात है, मगर अभी नहीं कह सकते कि क्या होगा। मौके पर पहुंचने के बाद ही असल सूरत हाल का पता चल सकता है। बस यही पूछने आया था, अगर आप कोई रास्ता बता देते घर के लोगों को बचाने का, तो मैं अपने पेपर में छाप देता। Miss Alfonso, please get me my residence. Yes, sir. Vijay, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? ये सब क्या हो रहा है भैया? कुछ भी तो नहीं। नैना को क्या हो गया? बात बात पे रोई जा रही है। सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? ओ भैया, आप तो जानते हैं मैं नैना को कितना चाहता हूँ। उसकी परेशानी मेरी परेशानी है, आखिर आप बताते क्यों नहीं क्या बात है? Mrs. Roy on the line, sir. विजय, मुझे कुछ प्राइवेट बात करना है, प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज। ओके ओके। दीपा, उनके रुपए कुछ खबर आई? नहीं, उसकी कोई खबर नहीं आई। राजू, राजू। कौन है ये? कौन है? मेरे बेटे का दोस्त। जेम्स फोन का है। आज स्कूल में नहीं आया। मैंने उसे टेलीफोन किया, उस पर भी नहीं बोला। देखो बेटे, टेलीफोन ना, टेलीफोन टूट गया है। अभी क्या राजू? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सो रहा है। मेरी उसके पास साइंस की किताब रह गई है, मैं ले आता। सुनो बेटे, देखो तुम यही रहो, वो सो रहा है ना, मैं ले आऊंगी। बबलू आया है, उसकी किताब तुम्हारे पास है? हाँ, ये यही है ना? हाँ। अच्छा, बबलू, बबलू, आंटी ये जूते किचन में क्यों पड़े हैं? मैं इनको रख दूँ? नहीं बेटे, मैं बाद में रख दूंगी, ये लो बॉल और ये किताब। आंटी, अच्छा जेम्स बॉन्ड से कह दीजिए टार्जन आया था। अच्छा। ओ बहन जी, दरवाजा ना बंद कराओ, कृपा सिंह आ रहे हैं। पसे पसे पसे, दरवाजा खोलो। पसे जी को ककोला नहीं रहने दो। हाँ बहन जी, थानू किस तरह पता लगा कि मैं थक गया ने है? अच्छा दसो जी, अगली दफा किन्ने कोका कोला ले आवा? अगली दफा तुसी घट ना करना, जिन्ने ठिकाने गया सब ने अदा कर दिता। कहंदे कोका कोला पिए के खाना खाए,
उन्हां दी गल भी सच्ची हैगी। देखो जी, गेहूं महंगा ते चावल महंगा, शक्कर महंगी ते सब्जी महंगी ते तरकारी महंगी, कहना खाना खाए के पिए। लेकिन तुसी कोका कोला ना छड़ना, दसा मैं एक गल दसा थानू, कोका कोला ना छड़ना, क्योंकि सस्ता भी हैगा ते मिलता भी हैगा। खाली बोतला मैं खाली बोतला अब फिर ले जाना, अभी आप जाइए। फिर ले जाओ? हाँ जी ठीक है, कोई गल नहीं। ओ जी कैश में वो बनाना कर रहेगा जी, कैश में हूँ बनाना जी। मिस्टर अशोक रॉय ना जी? ना मिस्टर अशोक रॉय। अरे जल्दी करो ना, जल्दी। की गल है बहन जी, तुसी बड़े घबराए हुए लगते हो, तबीयत तो ठीक है ना? मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आई। अरे तो कमाल है, तो अमीरा वाली बीमारी लग गई है थानू। फिकर दी कोई गल नहीं, नींदर ना है तो गोलियां कदी ना लेना, 12-13 कोका कोला बिगर 100 जाना जी। ये ला जी 12 रुपए 10 पैसे। अब जल्दी चलो जी। साहब घर पे ने? नहीं ऑफिस गए हैं। तो फिर जूते इतने चढ़ के क्यों चले गए? जूते हाँ मैं उठा लूंगी। तो मैं उठा लेना तो केड़ी बेइज्जती हो जानी मेरी, कमाल कर दियो। अच्छा बहन जी खाली बोतला फिर ले जाऊंगा। दोनों कमरे ते बंद हो, चाबी खो जाए मेरी, चाबी खो जाए। 11 रुपए 75 पैसे रखो जी। वो ठहरे 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 ठहरे, किथे जा रही है? ठहरे आजा आजा तू आजा। अच्छा उत्थे जाके बह गई है? ए नंबर तो सुना हुआ यार, कितने सुने नंबर, कल मटके थे तो नहीं आया? तो कल रेडियो ते आना उनसे ऐसी ए गड्डी नो तो पुलिस लब रही सारे शहर विच। वही नंबर है, हुण की करिए? खुरपे नंबर लिख और चल पुलिस थाने। कसम ईमान की कुछ लिख लिया? शायद गाड़ी का नंबर लिख रहा है। छुट्टी कर दूं हम? कैसे? बाबी किते गल न करी, नी बाबी किते गल न करी, एक पिंड दे मुंडे ना। समझ गए तुसी कौन हो? बड़ी खुशी हुई थानू मिलके जी। मैं किसी नूं नहीं दसांगा, रब दी सौ, मैं किसी नूं नहीं दसांगा। चाची चाची तुसी गड़ी चला लो, चाची सानू बख्श दो, मैं गरीब आदमी हूं। चाची कच्ची सड़क पे लो, कच्ची सड़क जी, कच्ची सड़क पे लो। हेलो चाची, मैम साहब टेलीफोन उठा। अजीत तुम ऊपर जा। हेलो, तुम्हारा फोन। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। चिट्ठी कर दी उसकी। क्या उल्लू के पट्टे? ठहरो। हाँ बोलो। कहाँ से बोल रहे हो? पवाईले के पेट्रोल पंप के सामने से, गाड़ी भेज दो। अच्छा मैम साहब अपने मरक को फोन करो। इतना बड़ा पुलिस का महकमा है और वो अब तक सिर्फ 3 खूनी नहीं पकड़ सके, जिधर देखो लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। मैं चाहता हूं इस बारे में तुम कुछ लिखो। इसके लिखने से कुछ फायदा होगा क्या? जरूर होगा, बहुत होगा। यस ओ यस इज राइट हियर अशोक, अशोक रॉय हियर। सुनी आप जल्दी जाइए, पवाली के सामने वो जो पेट्रोल पंप है ना, उसके सामने गाड़ी खड़ी कर दीजिए। क्यों? मुझे कुछ नहीं मालूम, ये लोग बोल रहे हैं। I'll see you later, sir.
यस सर। मरने वाले की जेब से ये कागज निकले हैं सर। अरे क्या ये यहाँ कैसे? उस गाड़ी का नंबर जो तीनों खूनी लेके भागे थे, ये देखो। शायद इसके मरने की यही वजह है। ठीक है सर। सुअर जो काम करेगा बिना सोचे करेगा। साले जब तूने उसे मारा था उसकी जेब में से कॉपी क्यों नहीं निकाली जिस पर गाड़ी का नंबर लिखा हुआ था? मान के एक तो काम करो, पैसे गाली हटाओ। जल्दी में भूल गया खान। अबे गधे, पुलिस को रास्ता तो बता दिया इस घर में आने का। गाड़ी का नंबर लिखा था, घर का पता थोड़ी बता। घर का पता तेरे सामने होने से क्या था? क्या अब एक ही रास्ता है बचने का, इस गाड़ी को यहाँ से निकालना। गाड़ी निकालेंगे तो पकड़े जाएंगे खान। कसम ईमान की हमसे नहीं कहना, हम इनकार कर देंगे। मैं भी नहीं जाऊंगा। हम तीनों में से कोई भी नहीं जाएगा। तो फिर कौन जाएगा? एडिटर साहब। आई वोंट गो। मैं नहीं जाऊंगा गाड़ी लेकर, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। एडिटर साहब, मैं ऊंचा बोलना नहीं चाहता, पर गाड़ी तो तुम ही लेके जाओगे, रास्ता मैं बताता हूं। उस गाड़ी के नंबर के ऊपर तुम अपनी गाड़ी का नंबर लगा लो, किसी को शक नहीं होगा, समझे? मैं गाड़ी लेकर नहीं जाऊंगा, मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगा। जाइए, मैं कहती हूँ जाइए। जिस घर में डकैती हुई। जी सर। सर, मैं कोका कोला कंपनी के ऑफिस गया था। अच्छा। वहां पता चला जो आदमी मारा गया है उसका इलाका विले पार्ले से जू तक था। अच्छा, विले पार्ले से जू तक? जू तक। यस सर। जुहू विले पार्ले, इसका मतलब ये हुआ कि वो खूनी इसी इलाके में कहीं छुपे हुए हैं। मगर सर, ये इलाका भी तो बहुत बड़ा है। हम पुलिस का जाल बिछा देंगे, एक एक घर की तलाशी लेंगे। हाँ, अब चाय पी जाए। ख्याल अच्छा। हाँ, साहब चाय। चाय तुम यहीं ठहरो। यस सर। मैं अभी आता हूं। माफ कीजिएगा मैडम, आपको थोड़ी तकलीफ देनी है। कहिए। आज आपके यहां कोका कोला की गाड़ी आई थी? जी हाँ, आई थी। कितने बजे आई थी? यही कोई 4 बजे के लगभग। जो आदमी कोका कोला लाता है, क्या आप उसे पहचानती हैं? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह। अकेला आया था? वो तो अकेला ही आता है। और यहाँ से आपके सामने वापस गया था? हाँ। कहाँ गया था कुछ बता सकती हैं आप? नहीं, लेकिन ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि उसका खून हो गया है। खून? हाँ, और हमारा ख्याल है कि वो तीनों खूनी जो जेल से भागे थे यहीं कहीं, मेरा मतलब है कि इसी इलाके में कहीं छुपे हुए हैं, और ये खून भी शायद उन्होंने ही किया है। हो सकता है। हाँ, एक बात और, ये कुछ पते हैं, क्या आप बता सकती हैं कि ये ठीक है या नहीं? अगर वो खूनी आपके घर में छुपे हुए हों, तो अपना सीधा हाथ अपने दाएं कान को लगाइए।
देखिए, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। थैंक्स, सॉरी टू बॉदर यू मैम। इट्स ऑलराइट। बबलू की मम्मी बोल रही हूँ। बबलू की मम्मी? आपके घर में सब ठीक ठाक तो है? हमारे घर? हाँ हाँ, सब ठीक है। क्यों? इसलिए कि राजू ने बबलू की किताब में एक पर्चा लिख कर रखा था। क्या? बबलू की किताब में राजू ने पर्चा रख दिया था? हाँ, और उसमें लिखा है, हम अपने घर में कैदी हैं, हमें मदद चाहिए। इसका क्या मतलब है बहन जी? नहीं नहीं, कुछ मतलब नहीं इस बात का। आप तो जानती है बहन जी, रज्जू कितना नखट है। उसने बबलू को सताने के लिए ऐसे लिख दिया होगा। लेकिन बहन जी, उससे पूछे तो सही बात क्या है? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं। आप ही बताइए, अपने घर में कौन कैदी हो सकता है भला? रज्जू ने ऐसे शरारत की होगी। अच्छा, नमस्ते। हाँ नमस्ते। कसम ईमान की, ये पिल्ला अपनी हरकतों से बाहर नहीं आएगा, मैं उसके खार उधर दूंगा। दीपा, क्या हुआ? कसम ईमान की, फिर ऐसी हरकत की तो खिड़की से नीचे फेंक दूंगा। क्या बात क्या है? रज्जू के पास बबलू की कोई किताब थी, इसने उसमें पर्चा लिख के रख दिया था, हम कैदी हैं, हमारी मदद करो। बुढ़ा लड़के पास क्यों नहीं आता? ज्ञान से उसका खून कराएगा। पागल हो गए हो क्या? बच्चे को मार डालोगे? मुझे माफ कर दे बेटे, मैं वाकई पागल हो गया हूँ। बेटे, मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है, लेकिन मैं तुम में से किसी को भी अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकता। बेटे, जब तक ये लोग यहाँ है ना, जैसे जैसे तेरा बाप सह रहा है ना बेटे, बेटे वैसे वैसे तू भी सहता रहा बेटे, वैसे तू भी सहता रहा। आखिर क्यों सता रहे हम इनको? क्या बिगाड़ा है हमारा इन्होंने? इनका कसूर यही है कि इन्होंने हमें अपने घर में रखा, हमें खाना खिलाया, पुलिस से बचाया। हिम्मत, इसका बदला ये तो नहीं कि हम इन पर जुल्म करें, बाप की जान लें, बच्चे को मारे, लड़की की इज्जत लूटे? कसम ईमान की, लौड़ा जज्बाती हो रहा खान। हाँ हाँ, मैं जज्बाती हो गया हूँ, क्योंकि मैं एक इंसान हूं, तुम्हारी तरफ पत्थर नहीं। भैया, मेरी मानो तो अभी यहां से चले चलो, वैसे भी ये जगह खतरे की जगह है, पुलिस कभी भी आ सकती है। तेरी मत मारी गई है जीत, बाहर निकलते ही ढेर हो जाओगे, चारों तरफ पुलिस है। और फिर कामनी वहां से निकल चुकी है, कल तक रुपया मिलना ही चाहिए। रुपया रुपया रुपया, कल तक हम सब मर जाएंगे तो रुपया हमारी लाश के साथ जाएगा क्या?
मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। कैसे नहीं रहोगे? बाहर जाके हम सबको मरवा दोगे क्या? कसम ईमान की खान, हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। तुम कौन होते मुझे रोकने? मैं कौन होता हूँ? जब मैं बाहर गया था तो मेरे सर पर बंदूक मार कर लाए थे। मारना हमें भी आता है खान। अजीत, दिलावर, पागल हो गए हो क्या? जाओ खान, खूब यारी निभा रहे हो। भैया, यकीन मानो मेरा इस घर में अब दम घुटने लगा है। मैं यहां एक पल भी नहीं रह सकता। मुझे जाने दो। अजीत, अगर तू समझता है तेरी भलाई इसी में है तो जा, देवी माँ तेरी रक्षा करे। भैया, इसे तो अपने पास ही रख, शायद तेरे काम आए। अजीत, अजीत, साथ ही रहते तो अच्छा था। मैं फैसला कर चुका हूं भैया। फैसला ले, गले तो मिलके जा। और सुन, अपना ख्याल रखना, हाँ, समझे? कोई बात नहीं अजीत, हम दूसरा घर बना लेंगे। घर बनाना क्या मुश्किल है? हराम गाड़ो, मैंने तुम लोगों से भैया कहाँ पे जाने के लिए? क्या बेटे बेटे घर बना रहे हो? घर बनाते हो? कभी छुट्टे नौकरी में नहीं आते हो? लीजिए, अब एक आवश्यक सूचना सुनिए। तीन खूनी जो कल जेल से फरार हुए थे, इनके बारे में पुलिस का ख्याल है कि वो किसी के घर में छिपे हुए हैं, जिसकी वजह से वो अभी तक पकड़े नहीं गए। पुलिस का यह भी कहना है कि कोका कोला वाले खून में भी इन तीनों डाकुओं का हाथ है, जिससे पता चलता है कि वो किस इलाके में हैं। उस इलाके की पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है और अब घर घर की तलाशी ली जा रही है। गाड़ी रोको, रोको। बाहर, बाहर निकलो। अरे मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी। होटल से फोन कर लेता हूं, इतनी भीड़ में मुझे कोई नहीं पहचान सकेगा।
हिम्मत मैं बंबई पहुंच गई हूं, सामान मेरे पास है, अब मुझे क्या करना है? सुनो, तुम वहीं ठहरो, और हाँ, एक टेबल अशोक राय के नाम पे बुक कर लो, वो वहां तुम्हें मिलेगा, सारा सामान उसके हवाले कर दो, तुम सीधी सिकंदराबाद चली जाओ और वहां रेडियो होटल में हमारा इंतजार करना, समझी? ओके, ठीक है। सुनिए, हमारा पैसा आ गया है, कामनी मॉडर्न होटल में तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे नाम की टेबल पर तुम्हें मिलेगी, जल्दी से तैयार हो जाओ। रुपया तो ले आता हूं हिम्मत, लेकिन एक बात समझ लो कि रुपया मिलते ही तुम मेरे घर से चले जाओगे। जरूर चले जाएंगे एडिटर, लेकिन तुम हमारे साथ चलोगे। मैं क्यों जाऊंगा, मेरी तुम्हारी ऐसी कोई बात नहीं हुई? नहीं हुई तो अब हो जाती है, ये दुनिया है मिनट मिनट में बदलती है, पुलिस का बंदोबस्त अब पहले से ज्यादा हो गया होगा, जब तक हम खतरे से बाहर न निकल जाएं, तुम हमारे साथ रहोगे। नहीं, मैं नहीं चलूंगा तुम्हारे साथ। क्यों, अकेला जाने से डरते हो? कहो तो तुम्हारे बीवी बच्चों को भी साथ ले चलें। अच्छा, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। कहाँ जा रहे हो तुम? इनका रुपया आ गया है, वो लड़की मॉडर्न होटल में इंतजार कर रही है। शुक्र है भगवान का, इनसे जान तो छुटेगी। अभी नहीं, मुझे उन्हें यहां से 10-15 मील दूर छोड़कर आना होगा। तुम क्यों जाओगे इनके साथ? हिम्मत यही चाहता है। हिम्मत, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, इन लफंगों का क्या भरोसा? दीपा, हाँ मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। दीपा, इसके सिवा कोई चारा नहीं। ये जालिम है, बेरहम है, वहां जाके न जाने वो। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। दीपा, तो क्या मैं तुम सबको अपने साथ लेके मरूं? दीपा, समझने की कोशिश करो, मैं अपने साथ साथ तुम सबकी जान कैसे खतरे में? कुछ भी हो, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। दीपा नहीं, इस दुनिया में कभी कभी इंसान इतना मजबूर हो जाता है, सिवाय इसके कि वो अपने आप को किस्मत के हवाले कर दे, और कुछ नहीं कर सकता। दीपा दीपा, हौसला रखो, अगर तुम दिल छोड़ दोगी तो इन बच्चों का क्या होगा? देखो मेरी आंखों में, देखो दीपा, बेकुट कर, बेकुट कर। डैडी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं बेटे, तुम मम्मी के साथ रहोगे। लेकिन मैं किसी से नहीं डरता, मैं आपके साथ चलूंगा। बेटे, वो दिन भी आएगा जब तुम मेरा सहारा बनोगे, मेरे साथ साथ चलोगे, मेरी देखभाल करोगे, लेकिन बेटे वो दिन अभी आया नहीं, अभी नहीं आया। डैडी, जीते रहो। डोंट वरी, डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ ऑलराइट। एडिटर साहब, रुपया लेके जल्दी लौटना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हिम्मत, काश एक वक्त ऐसा भी आए जब तुम हम फिर कहीं मिलें, तुम्हारे हाथ में रिवाल्वर ना हो और मेरे सर पर कोई बोझ ना हो, फिर हिसाब होगा तुम्हारा हमारा।
यह वाकई अफसोस की बात है कि पुलिस अभी तक इन खूनियों का पता नहीं लगा सके। इतने बड़े शहर में तीन आदमियों को ढूंढ लेना आसान बात नहीं है सर। पुलिस आसान काम करने के लिए नहीं होती। सर, अजीत के मारे जाने के बाद ये जो पिस्तौल मिला है शायद उससे कोई मदद मिले। ये पिस्तौल किसका है, किसके नाम रजिस्टर है? यस, आओ हवलदार। सर, अजीत के पास जो पिस्तौल मिला है वो अशोक राय के नाम में रजिस्टर्ड है। अशोक राय, देखो, अशोक राय एडिटर मॉडर्न टाइम्स 52 विले पार्ले स्कीम। विले पार्ले स्कीम, हवलदार तुम जा सकते हो। यस सर। सर, मेरा ख्याल है वो तीनों खूनी अशोक राय के घर में छुपे हुए हैं। वो कैसे? सर, अशोक राय जब मुझसे मिलने आए थे और पूछ रहे थे कि अगर वो तीनों खूनी किसी के घर में घुस जाएं तो पुलिस क्या कर सकती है। इसके बाद कोका कोला वाला भी अशोक राय के घर में जाने के बाद मारा गया, और अब अजीत के पास अशोक राय का ये रिवॉल्वर। मतलब तो साफ है सर, अशोक राय के घर को घेर लिया जाए। ओके सर। आ गया है लड़की को जल्दी से बाहर भेज दे। जाओ नैना। नहीं भाभी, मैं नहीं जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी तो वो अंदर आ जाएगा, फिर कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे जाऊंगा? तुम हमारी फिक्र मत करो, तुम जाओ। नहीं भाभी, मैं कहती हूँ जाओ। भाभी जाओ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। इसी वक्त नैना, ये सब क्या हो रहा है? क्या? मैंने भैया को वो गाड़ी जो तीन मुजरिम लेकर भागे थे पहाड़ी से फेंकते हुए देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तीनों मुजरिम तुम्हारे घर में छुपे हुए हों?
मेम साहब आपका फोन। टेलीफोन? जी मैनेजर साहब के रूम में। मिस्टर राय, एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहे हैं आप? इधर आइए। आप सीआईडी इंस्पेक्टर वर्ती? सीआईडी इंस्पेक्टर वर्ती? मैं घर जा रहा था। आप वहां नहीं जा सकते, मेरे साथ चलना होगा। लेकिन चलिए आइए प्लीज। चलिए। भैया तुम यहाँ कैसे? मैं लाया हूँ। भाभी और राजू को भी लेने जा रहा था लेकिन पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने? सर आई प्लीज। ओह श्योर। प्लीज चलिए। अशोक राय, आपने उस वक्त ये क्यों नहीं बताया कि वो खूनी आपके घर में छुपे हुए हैं? आपने मेरे बीवी बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी नहीं ली थी। जिम्मेदारी? हाँ। क्या जिम्मेदारी लेता? किस तरह लेता? उन बदमाशों के नाम चिट्ठी लिखता? मेहरबान हराम जादो, हमने अशोक राय के बीवी बच्चों की जिम्मेदारी ले ली है। आप आराम से बाहर आ जाओ, हम तुम्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। मिस्टर अशोक राय वो बहुत ही खतरनाक मुजरिम है। अगर आपने उस वक्त पुलिस का साथ दिया होता तो हम किसी न किसी तरह आपके मकान में दाखिल होते, उन पर अचानक हमला करके उनको पकड़ लेते। लेकिन नाउ इट्स टू लेट, आपके मकान को चारों तरफ से घेर लेने के सिवा अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। होश की बात कीजिए इंस्पेक्टर, अगर उन्हें पता चल गया कि बाहर पुलिस खड़ी है, जो भी सामने आएगा वो उसे मार डालेंगे। अंदर आपके नहीं मेरे बीवी बच्चे हैं, उनकी जान खतरे में है। लेकिन हमारे लिए सारे शहर की जिंदगी खतरे में है। अगर वो हमारे हाथ से निकल गए तो शहर के सैकड़ों आदमियों का खून कर सकते हैं। इंस्पेक्टर वर्ती, लेट्स मूव इन। इंस्पेक्टर? यस। इंस्पेक्टर जल्दबाजी मत कीजिए, उन लोगों को कुछ रुपए का इंतजार है। वो रुपए हैं मेरे पास इस बैग में। ये रुपए मिलते ही वो लोग मेरे घर से चले जाएंगे। मुझे कुछ वक्त दीजिए, रुपए उन तक पहुंचा दूं। उसके बाद जो घर से बाहर आए आपका जो दिल चाहे सो कीजिए। वो दोनों ही बाहर आएंगे, इस बात की क्या गारंटी? अपने बचाव में आपको या आपके बीबी बच्चों को साथ लाए तो क्या होगा? नो 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 नो, अब मैं उन्हें यह मौका नहीं दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा इंस्पेक्टर साहब। उनका मुझसे वादा है, उनको सिर्फ रुपया चाहिए। ये रुपया मिलते ही मेरे घर से चले जाएंगे। नो मिस्टर राय, नो, आई एम सॉरी। वाडेकर, मिस्टर अशोक राय ठीक कहते हैं। ये रुपया उन दोनों मुजरमों को दे सकें, इतना वक्त हमें जरूर इन्हें देना चाहिए। थैंक यू और मिस्टर अशोक राय, मैं आपको 20 मिनट की मोहलत देता हूँ। 20 मिनट के अंदर वो दोनों बाहर ना आए तो मेरे आदमी अंदर आ जाएंगे। 20 मिनट? थैंक यू कमिश्नर, थैंक यू। सुनिए, इन दोनों मुजरिमों के पास कितने हथियार हैं? हथियार? एक रिवॉल्वर है बस। और आपके पास घर में क्या हथियार है? मेरे पास कोई हथियार नहीं। आई सी, ले लीजिए। नहीं 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 कमिश्नर साहब, प्लीज टेक इट। ये आप ही का है? ये आपको कहाँ से मिला? खूनी अजीत से मिला और वो मारा गया। ओह हाँ, उस वक्त ये मेरे पास ही था। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं खाली पिस्तौल से फायदा? मैं कोई दूर की सोच रहा हूँ। Thank you.
प्लीज प्लीज प्लीज। कहाँ जा रहे हैं भाई? ओह, मैं घर जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं नहीं नहीं, इधर आओ। देखो, आर्या खान, आर्या। पैसा लाए? लाए दर्द। नहीं नहीं, यहां नहीं दूंगा, गाड़ी में दूंगा। एडिटर, गाड़ी में नहीं, यहीं। नहीं, यहां नहीं दूंगा। मैं तुम्हें गाड़ी में शहर के बाहर छोड़ दूंगा और रास्ते में रुपया भी ले लेना। यही तुम्हारा वादा था मेरे साथ। आखिर बात क्या है तेरे मन में? हाथ ऊपर करो चाचे। चाचा बहुत बहादुरी दिखा रहा है खान। हिम्मत, तलाशी लो। तो ये वजह थी। तुम माने नहीं एडिटर, बराबर धोखा देते रहे हमें, लेकिन हमने भी अपना प्लान बदल दिया है। अब सिर्फ तुम ही नहीं चलोगे हमारे साथ, तुम्हारा बचुआ भी चलेगा। बचुआ? मेम साहब, बचुए को नहीं चलाओ। दीपा, नहीं नहीं, शपथ लाना। रजो, कमरे के अंदर ले जाओ, कमरे के अंदर दरवाजा बंद कर लो। इलावा, तुम इसको संभालो। हिम्मत ऊपर आ रहा है। हिम्मत, पीछे चल। कसम ईमान की मजाक नहीं हो रहा खान, गोली चला दो ना सच्ची। नहीं, कोई है? हा? मैं खोलता हूं। हरामजादे, तुम नहीं माने, पुलिस को बुला लिया, लेकिन पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं यहां से बच के निकल जाऊंगा और तुम मुझे लेके जाओगे, वरना बच्चे को छोड़ दे हिम्मत। लो, छोड़ दिया। रुक जा, इन्हें तो थोड़ा तोड़ दूंगा। चलो रीटा, चलो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? डैडी। रो मत बेटे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुनो मैं जो कहता हूँ, डरो मत। रुक जा, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। डैडी। रज्जू, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटे, डैडी की बात का भरोसा करो, बिल्कुल कुछ नहीं होगा तुम्हें। सुनो, जैसे मैं कहता हूँ वैसा ही करो। करोगे ना? हाँ डैडी। तो फिर भागो, भागो। राजू, भाग भाग जा। कमीने, धोखेबाज। Thank you.
हिम्मत, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारा हमारा हिसाब उस दिन होगा जब मेरे सर पर कोई बोझ नहीं होगा और तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर नहीं होगी। वो वक्त आ गया, अब तुम्हारे सर पर बोझ है और मेरे हाथ में रिवॉल्वर। जिनकी जिंदगी मौत की छांव में गुजरी हो वो मौत से कहां डरते हैं एडिटर। इंतजार किस बात का है, चला गोली। मौत भी जल्दी चाहिए तुम्हें, सब्र नहीं कर सकते। किसी बेसब्री ने खूनी और डाकू बना दिया है तुम्हें, साथ में छोटे भाई को भी ले मरे। जानते हो वो कहां है? अजीत यहां से बहुत दूर जा चुका है। तुम ठीक कहते हो हिम्मत, वो इतनी दूर जा चुका है अब तुम भी उसे नहीं पा सकते। सरकारी अस्पताल में लावारिस पड़ी है उसकी लाश। तुम बकते हो, ये गलत है, ये झूठ है, ये सच है। पुलिस की गोलियों ने उसके बदन को छलनी कर दिया। कोई उसकी लाश पे रोने वाला नहीं, कोई कंधा देने वाला नहीं, और उसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। इंस्पेक्टर, क्या ये सच है तुमने मेरे भाई को मार डाला? हाँ, अजीत मारा गया है। याद रखो हिम्मत, पुलिस के हाथों कोई नहीं बच सकता। अब क्या रह गया है जिंदगी में, मुझे भी क्यों नहीं मार डालते? इंतजार किस बात का है? हमने तो जिंदगी का 36 घंटे इंतजार किया और तुम मौत का भी इंतजार नहीं कर सकते? अब नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मार दे मुझे। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा हिम्मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैंने भी वही किया जो तुम करते आए हो, तो हर एक इंसान मुजरिम बन जाएगा, कातिल बन जाएगा। ये दुनिया रहने के काबिल नहीं रहेगी। निकल जाओ हिम्मत, निकल जाओ यहां से। मैं कहता हूं चला जाओ, निकल जाओ। मिस्टर अशोक राय, 20 मिनट खत्म हो चुके हैं, फौरन बाहर आ जाइए, नहीं तो हम अंदर आ रहे हैं। मिस्टर अशोक राय, फौरन बाहर आ जाइए। हिम्मत, हैंड्स अप। पिस्तौल फेंक दो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। गोली चलाओ इंस्पेक्टर। पुलिस तुम्हें जिंदा गिरफ्तार करना चाहती है। वो वक्त कभी नहीं आएगा इंस्पेक्टर।